सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। सो मैं चंदन कुमार, कम्प्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूँ। सो कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे जितने सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि बहुत टाइम से वेस्ट बंगाल सेट का इंतजार कर रहे थे, किसका एग्जाम डेट कब आएगा, कौन सी डेट में इसका एग्जाम होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, एज वेल ऑल दो डेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है आपके आपके लिए कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेट 2024 का एग्जाम डेट अनाउंस्ड हो चुका है ऑफिशियली। ठीक है, सो इन दिस सेशन हम देखेंगे कि आपका जो आपका वेस्ट बंगाल सेट का जो एग्जाम होने जा रहा है 2024 का, वो कौन से डेट में होगा, एज वेल उससे रिलेटेड जैसे कि अप्लीकेशन फॉर्म आपका नियरेस्ट कब स्टार्ट होगा, कब तक तो फॉर्म भराएगा, टोटल ऑल दो डिटेल हम यहाँ पे इन दिस सेशन में देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो टिल द एंड कंटिन्यू कीजिए सेशन को, डेफिनेटली एट द एंड आपको सारे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ऑल्सो अगर ये सेशन सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फॉर ऑल दो एस्पायरेंट्स जो वेस्ट बंगाल सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल 2024 में एग्जाम देने के टारगेट है उनके। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, ये हमारा ऑफिशियल या जो आपका देख रहे हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आज के डेट में, आज हमारा क्या है तो 12th of July। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो आज के डेट में आपके पास जस्ट सीरियल नंबर 1 पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है, 12/7/2024 नोटिस फॉर 26 सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 26 वा होने जा रहा है आपके वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है आपके इस कंडक्टिंग बॉडी ने। ठीक है, तो आपको कैसे देखने हैं इसको, कैसे ऑफिशियली वेबसाइट विजिट करने हैं, सो ऑल द थिंग हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जस्ट आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे उससे रिलेटेड, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 25th जो सेट एग्जाम हुआ था, तो वहां पे 22 मार्च 2024 को इसका ई सर्टिफिकेट नोटिस दिया हुआ था। मतलब जितने सारे बच्चे ने 2023 में एग्जाम दिए थे तो उनका रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्टिफिकेट आता है तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन दिया था, जो कि आपको 21st मार्च 2024 को दिया था। तो ये आपका लास्ट नोटिफिकेशन था जो बच्चे 2023 के एग्जाम दिए थे, लेकिन आपका 24 का एग्जाम कब होगा तो इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आज के ही डेट में यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो सेट कंडक्ट करता है उस कंडक्टिंग बॉडी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए वो नोटिफिकेशन क्या है ऑल दो डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, ऑल्सो हम गो थ्रू करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जाके, ताकि आप देख सकोगे कैसे हम वहाँ पे जाके आप ऑल दोज इन्फॉर्मेशन को देखोगे। तो लेट्स सी, ये हमारा जो कंडक्टिंग बॉडी है उन्होंने नोटिस जारी किया है, सो नोटिस रिगार्डिंग 26th ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, अगर आप देखेंगे, सो दिस इज नोटिफाइड दैट 26 वेस्ट बंगाल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 26 WB सेट इज हियर अबाउट टू सी प्रपोज टू बी होल्ड ऑन 15th ऑफ दिसंबर 2024। आप समझ जाओगे अभी आपका जुलाई है, जुलाई देन आफ्टर दैट 4 to 5 month बाद आपका एग्जाम होने वाला, दैट मीन्स ये आपका एग्जाम 15th ऑफ दिसंबर 2024 को कंडक्ट होगा। तो अभी जस्ट आपके पास नोटिफिकेशन क्या है कि आपका एग्जाम कौन से डेट में होगा, सो अकॉर्डिंगली इसी के बेस के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, एज वेल ऑल दोज जो आपके पास रिमेनिंग जो डेट्स है वो सारे के सारे चीज अनाउंस हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, सो डिटेल नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्सेस एंड यर अबाउट टू सी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल सेट डेट ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे 12/7/2024। आप समझोगे ये हमने ऑलरेडी बना के डाला है, तो लेट्स सी हम आपको यहाँ पे लेके चल रहे ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि वेस्ट बंगाल का है। तो कैसे जाने ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट आपको खोलने हैं एनी ऑफ द ब्राउजर, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यर अबल टू सी WBCAC.org.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल का। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो हियर अबल टू सी, जैसे इसको हम रिफ्रेश किए तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया, द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन जो कि ये कंडक्टिंग बॉडी है जो कि सेट एग्जाम को कंडक्ट करती है। ठीक है, तो आसाना बिल्डिंग प्लॉट जो इसका ऑल दोस एड्रेस है न्यू न्यू टाउन कोलकाता। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट हमने बताया था ये जो 12/7/2024 को नोटिफिकेशन आया, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे सो यू आर एबल टू गेट द सेम पेज जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ 15th ऑफ दिसंबर 2024 को आपका वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है,
सो गेट रेडी गाइज, आपने अकॉर्डिंग देख लो, यू हैव जस्ट लिमिटेड टाइम, क्योंकि यहाँ पे 15th ऑफ दिसंबर, आज मान जाओ कि 12th ऑफ जुलाई है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो यू हैव मोर देन, मतलब देखा जाए तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 4 मंथ बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? सो दैट्स वाई आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली सेट एग्जाम को, क्योंकि सेट का एग्जाम अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक तरह से एडवांटेज है कि सेट का एग्जाम कंपैरिजन टू नेट एग्जाम इजीएस्ट होता है, एज वेल यहाँ पे क्वेश्चन भी इजी आते हैं और कटअप भी इसका इजी होता है, मतलब हर तरह से देखा जाए तो बहुत सारा रिलैक्सेशन होता है कंपेयर टू नेट एग्जाम, ठीक है? तो चलो, यहाँ पे सिलेबस भी आपका थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होता, टोटल सेम टू सेम होते हैं, जो आपका नेट का सिलेबस होता है सेम लाइक दैट आपका सेट का भी सिलेबस होता है, ठीक है? ऑल्सो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप अपना प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एज वेल इस सेट को, सेट एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, तो आपने देख लिया ऑफिशियल वेबसाइट, अगेन हियर एबल टू गेट, यहाँ से अब ऑल दो डिटेल, अब देखोगे यहाँ पे जैसे कि सम एबल टू सी कि सर हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऑल्सो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया 19 सेट, 20 सेट, सो ऑल दो सेट यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो देखोगे यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 19 सेट को क्लियर किया, अभी देखो 19 का कम 25, जो कि इससे पहले 2023 में जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा, कि जैसे कि मान जाओ कि आपका ज्योग्राफी है तो आप चेक करना चाहते हो क्या जो वेस्ट बंगाल में जो एग्जाम होता है वहाँ पे क्या ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है कि नहीं होता, तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना चेक भी कर सकते हो। ऑब्वियसली एयरबर्ट ज्योग्राफी होते और एज वेल जैसे कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो क्या कंप्यूटर साइंस कंडक्ट करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखेंगे आप 22 सीरियल नंबर में कंप्यूटर साइंस भी दिया हुआ जहाँ पे पेपर टू, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप अपने सब्जेक्ट भी देख सकते हो, टोटल 33 सब्जेक्ट को कंडक्ट करती है वेस्ट बंगाल से, ठीक है? तो चलो यहाँ से तो आपने देख लिया कैसे हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट थिंग इफ आई टॉक अबाउट दैट, जैसे कि यहाँ पे आओगे आप, अब देखो यहाँ पे कोर्सेज देख लिया आपने, सब्जेक्ट भी, स्टडीज, ऑल दो थिंग आपने देख लिया, अब देखो यहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन को, जो जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो आप यहाँ से सारा वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब अगर अदर रिजल्ट के बारे में, अदर एग्जाम के बारे में देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, क्लियर है? सो दैट्स वी आर एबल टू गेट। अब जैसे सिलेबस देखने हैं तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप यूजीसी नेट का, सपोज आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और कंप्यूटर साइंस से आपका पेपर टू कंप्यूटर साइंस और आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि यूजीसी नेट का दिसंबर में एग्जाम होता है और सेम टाइम आपका सेट का भी एग्जाम हो रहा है, और ऑल्सो अगर आपने 18th जून को एग्जाम दिया होगा तो ऑब्वियसली पोस्टपोन होकर आपका एग्जाम अगस्त में हो रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आप थ्री थ्री एग्जाम देने जा रहे हो, तो दैट्स वे आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आपका प्रिपरेशन बेहतर और आप इसी जोक में आप सेट को भी क्लियर कर लोगे, ठीक है? तो देखो अगर आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि बच्चे जो कंप्यूटर साइंस के हैं तो देख सकते हो कंप्यूटर साइंस में आप यहाँ से मैचेस कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे सो यू आर एबल टू गेट द सिलेबस, सेम 10 यूनिट्स हमारे कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं, और यहाँ भी देखेंगे तो टोटल 10 यूनिट्स, जो आपका 10वां यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यहाँ भी देखेंगे तो 10वां यूनिट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब थोड़ा भी 1% भी चेंजेस नहीं होता है, सेम टू सेम सिलेबस होता है, जो आपका यूसी नेट का सिलेबस है वही आपका सेट का है, तो दैट्स वाई अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से कर लियो तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वेस्ट बंगाल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो दैट्स वाई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्जाम को दे के सेम स्टेट में, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग्स करते हो तो वहां से आप अपने कैरियर को शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? तो चलो, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया सारा कुछ, क्लियर टू ऑल? चलो, सो दैट्स वाई अब मेन थिंग इज कि आपका, आप अपने प्रिपरेशन कैसे करोगे। सो देखो आपके प्रिपरेशन को लेते हो हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे कि आपको मालूम है कि एक तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हो तो यू नो आपका पोस्टपोन जो, सॉरी, जो री एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 21st अगस्त से स्टार्ट होकर 4th सितंबर के बीच में होगा, क्योंकि पिछला बार आपका 18th जून को ऑफलाइन मोड हुआ था, अब आपका ऑनलाइन होने जा रहा है, अगेन ऑनलाइन। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका कौन से सब्जेक्ट का कौन सी डेट में एग्जाम होगा वो भी आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। सो दैट्स वाई आपके पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ का टाइम है, तो अगर आप अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हो तो देखो जस्ट इन आरएस 499 में आपको हम 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे फॉर ऑल दोज यूनिट्स, एज वेल यूनिट टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट, एज वेल डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, ताकि अपने प्रिपरेशन को बेहतर
करके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और सेम ये जो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है वो ओनली यूसीट के लिए नहीं है, ये आपके सेट के लिए भी है। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का सेट का नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सारे बहुत टाइम से बच्चे इंतजार भी कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल सेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एग्जाम डेट आ गया, तो ऑब्वियसली आपका फॉर्म भी इसी टाइम मतलब उससे पहले ही 1-2 महीना पहले आपका फॉर्म का फॉर्म भरने का भी जो आपका प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर है? और देखो यहाँ पे अगर इस कोर्स को लेना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफिशियल नंबर एज वेल द ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ, आप इस नंबर पर कॉल करके एज वेल इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और मेन थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ ऑफर। देखो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फ्लैट 70% का ऑफर दी जा रही है। Either you are preparing for the UGC NET for any of the set exam, क्योंकि NET और SET का syllabus same होता है, तो देखो यहाँ से आप अगर इस course को लेते हो, देखो यहाँ पर 70% का offer है, it means आपको code क्या apply करने है, IFAS70 apply कीजिए, go on the official website, as well इस course को ले लेते हो तो 4 month के बाद आपका एग्जाम होने जा रहा है सेट का, एज वेल दिसंबर का अगर टारगेट करें यूसी नेट का, तो दोनों एट द सेम टाइम हो रहा है। अगर 4 मंथ अगर आप इस कोर्स के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो नो वन गोइंग टू बी स्टॉप, आप अपने सपनों को अच्छे से पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और 70% ऑफर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि अपना प्रिपरेशन आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यू आर एबल टू सी ऑल दोस टॉपर्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि यू आर एबल टू सी NTU से नेट टॉपर्स है, गेट टॉपर्स है, RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सारे टॉपर्स है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, डेफिनेटली आप भी अच्छा करेंगे और एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस ऐप, इस ऐप के थ्रू आपको जरूर नहीं है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप हो, तभी आप प्रिपरेशन करोगे, नो, अगर आप ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करते हो देन ऑल्सो यू आर एबल टू एक्सेस ऑल दो डिटेल। तो यू आर एबल टू गेट द ऑफिशियल नंबर, कोई भी इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जितने सारे बच्चे जो बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे, जैसे हमने क्लासेस हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर बच्चों का नोट मैसेज आता है कि सर वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम कब होगा, उसका डेट कब आएगा, तो लो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है 15th of December 2024 को, ठीक है। तो उससे पहले आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट्स वाई ऑल्सो अगर आपको देखो यहाँ पे हम लोग डेली 8:11 AM हमारा जो IFS का सेट एज वेल द UGC नेट पेपर 1 का जो चैनल है वहाँ पे डेली 8:11 हम लोग क्लासेस लेते हैं, वो क्लासेस आपके सेट एज वेल द नेट दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, तो डोंट फॉरगेट डेली बेसिस पे आपको हमारे साथ जुड़ जानी है 8:11 AM, तहाँ जहाँ से आपको पेपर 1 का तो हमारा गारंटी है पूरा आपका तैयारी करा देंगे, ठीक है। क्योंकि जितने सारे बच्चे AP सेट का दिए थे, HP दिए थे, MS सेट दिए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई आप भी कंटिन्यू करें क्लासेस को, डेफिनेटली आप भी अच्छा करेंगे और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। तो लेट्स सी इन द सेम इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, टिल इट बाय बाय एज वेल हैप्पी लर्निंग विद द UFS।